बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल की। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या डलता है और ये कैसे बनाते हैं। स्प्रिंग रोल के लिए हम सबसे पहले पट्टियाँ लेंगे। स्प्रिंग की रोल की पट्टियाँ आ गई हैं ये हमारे पास। इसके बाद अब हमारे पास आधा किलो कीमा है, चिकन का कीमा मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। अच्छा, मेरे पास कैबेज है, तकरीबन ये मेरे पास 4 कप कैबेज है कटी हुई, ठीक है ना, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और ये तकरीबन 2 कप के करीब मेरे पास शिमला मिर्च है और 4 कप के करीब मेरे पास ये गाजर है ग्रेट हुई हुई। और तकरीबन 2 कप के करीब मेरे पास ये हैं हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन। इसके अलावा मेरे पास 1 टेबल स्पून फुल भरा हुआ काली मिर्चें हैं और इतना ही नमक है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून और आधा कप मैं इसमें डालूंगी सोया हॉट सॉस और आधा कप मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। और फ्राई के लिए ऑयल चाहिए हमें इन तमाम सब्जियों को, और एक अंडा जो पट्टी जोड़ने के लिए चाहिए हमें। इसमें ऑयल डालूंगी मैं तकरीबन 1 कप, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम कीमा, चिकन का कीमा तकरीबन ये मैंने जो लिया था आधा किलो चिकन का कीमा, ठीक है, ये मैं डालूंगी इसमें और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे तब तक इसका कलर चेंज होता है। इसको हमने फ्राई शुरू कर दिया है जिसका कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है। अच्छा, इसका कोशिश करेंगे कि इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस बने। इसमें से हमने चिकन सारा निकाल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी गाजर, ठीक है। तकरीबन ये 3 कप गाजर थी ग्रेट हुई भी, 3 से 4 कप थी, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सौते होगी ये, तो फिर मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालती हूँ और बंद गोभी डालती हूँ। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई सारी सब्जियां। हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन तकरीबन 2 कप, डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून नमक। Thank you.
इसमें डालेंगे हॉट सॉस तकरीबन हाफ कप, और डालेंगे सोया सॉस तकरीबन हाफ कप, और जो हमने चिकन को फ्राई किया था वो हम डालेंगे इसमें। और इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। कीमे को फ्राई करने के बाद आप इसको थोड़ा सा चॉपर में डाल के चला सकते हैं, चलाना चाहें अगर आपको मोटा चंक पसंद है इसका, यानी कि कीमा अगर मोटा रखना चाहते हैं तो। मुझे चूंकि पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसको फ्राई करने के बाद चॉपर में चला लिया। सब रेडी है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको रोल पट्टी के अंदर रैप करेंगे। स्प्रिंग रोल के लिए हम ये स्प्रिंग रोल की मांडा पट्टी लेंगे इस तरीके से, इसको हम इस तरह रखेंगे ठीक है। और यहाँ पे हम इसके रखेंगे मसाला इसका सारा ठीक है, और इसको हम दोनों तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे करके ठीक है, और इस तरह से ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये मुड़ जानी चाहिए, खुलना नहीं चाहिए इसको इधर से भी, और इसको हम यूँ फोल्ड करते जाएंगे ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड किया, और यहाँ पे हम लगाएंगे अंडा। और ये हमारे रोल रेडी है, इस तरीके से मैंने ये सारे रोल बनाए हुए हैं, और मैं अब इसको फ्राई करती हूँ। इसको हम डीप फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आज थोड़ी सी मैं हल्की कर लूँगी, और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर देंगे इसको हम गोल्डन। कलर इसका बहुत अच्छा सा आया है, मैं इसको निकालूंगी। और मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हैं, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें इसका कितना अच्छा अंदर से टेक्सचर है, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसा फूड विद शमा राशिद, और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग, कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपी, हमारी वीडियोज़। और जनाब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।